हेलो, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह अगर चाय से अगर शुरुआत हो जाती है दिन की, तो दिन की शुरुआत अच्छी होती है। तो आज निकलते हैं न्यू लोकेशन के लिए। बाहर का वेदर देखिए आपका कितना शानदार है, हल्का हल्की बारिश हो रही है, इसलिए राइड नहीं कर रहे हैं, हम बाई कार जा रहे हैं। तो न्यू लोकेशन पे जाते हैं, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। एक मंदिर है जो कि बहुत फेमस है भोपाल के आसपास के एरिया के लिए, बहुत अच्छा। देखिए क्या लुक है ये, यहाँ पे सागवान के पेड़ यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे। अप्रोक्सीमेट 2 से 4 किलोमीटर आपको लगातार सागवान के पेड़ देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने पहली बार इतने ज़्यादा सागवान के पेड़ देखे, और साथ में ग्रीनरी, और बीच बीच में आपको मिलेंगे पानी के झरने, छोटे छोटे नहर तालाब। तो बहुत ही अच्छा लोकेशन यहाँ पे लग रहा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर राइड करने का मौका मिलता तो और ही मज़ा आता, बट फिलहाल अभी इसी से काम चला रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी बीच में। अभी नॉर्मल है, अभी पानी बंद हो चुका है, बारिश बंद हो चुकी है, और वेदर भी इतना मस्त है, मज़ा आ गया है। तो देखिए आपको ग्रीनरी के साथ साथ अच्छा व्यू मिलेगा, अच्छा वेदर मिल जाए तो फिर क्या मज़ा आएगा, और ओपन हुई विंडो मिल जाए, आह मज़ा ही आ जाता है। तो आप भी होप करता हूँ आप भी मज़े कर रहे होंगे, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे वेदर को। तो बने रहिए साथ में, आपको आगे दिखाते हैं और अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे, मौज कराएंगे। तो बने रहिए साथ में और कंटिन्यू देखते रहिए। वेदर देख के ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ और जो आसमान है बिल्कुल पास में है, बादल बिल्कुल पास में, बादल जो है बिल्कुल पास में घूमते नज़र आ रहे हैं बिल्कुल पहाड़ के। तो उसी पहाड़ी पे है वो मंदिर जिसका नाम है सलकनपुर, सलकनपुर का टेम्पल बोलते हैं, बहुत ही फेमस है यहाँ पे। तो मुझे लगा आपको एक मंदिर भी घुमाना चाहिए, इसलिए आज मंदिर की तरफ, और व्यू भी बहुत अच्छा है। लीजिए पहुँच चुके हैं हम नर्मदा नदी के घाट पे। तो ये सलकनपुर मंदिर के बिल्कुल पास में है, तो पहले करेंगे स्नान फिर जाएंगे मंदिर। तो बस स्नान करते हैं और मिलते हैं आपको मंदिर के पास में, तो बने रहिए वीडियो में। लो जी पहुंच चुके हैं सलकनपुर मंदिर, पीछे देख रहे होंगे आप स्टेयर्स, तो अप्रॉक्सीमेट 1500 स्टेयर्स हैं। बस स्टार्ट करते हैं जर्नी, मंदिर चलेंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे, और आपको भी मौज कराएंगे, दर्शन वर्शन करके मिलते हैं आपको। बढ़िया ऊपर का व्यू भी दिखाएंगे आपको, बहुत बढ़िया व्यू है। रास्ते भर दिखाते हुए चलेंगे आपको, रास्ता कैसा है, कैसी कैसी सीढ़ियाँ मिलती हैं, सब दिखाते हैं आपको, और मज़ा आएगा। तो ऐसा इतनी ज़्यादा सीढ़ियों वाला, इतनी ज़्यादा हाइट पे बहुत ही कम मंदिर आपने देखे होंगे, तो कुछ उनमें से एक ये भी है। अब देखते कितना टाइम लगता है, आप भी बने रहिए साथ में, आप भी देखते रहिए और इन्जॉय करता रहिए। मिलते हैं ऊपर। हजार स्टेयर्स कंप्लीट करने के बाद आहा बड़ा आनंद आ रहा है। 110 अभी ऐसे करके 1500 पहुंचना है। अभी अप्रॉक्स हो चुके हैं, हाफ एन आवर में 1030 स्टेयर्स, 1300। देखिए व्यू देखिए आप, अभी वहाँ जाना है और नीचे का व्यू देखिए, इतनी सारी स्टेयर्स को कंप्लीट करते हुए ऊपर आए, और व्यू देखिए कितना ग्रीन, अल्टीमेट। चलिए मिलते हैं ऊपर फिर से। पहुंच गए मंदिर, ये है सलकनपुर का मंदिर।
व्यू देखिए यहाँ से, पहाड़ बिल्कुल पास में, क्या बेहतरीन व्यू है। लीजिए पहुंच गए सलकनपुर मंदिर, हो गए दर्शन। मास्क लगाना यहाँ पे मैंडेटरी है, तो मास्क लगा के रखे हुए हैं। सेफ्टी भी है, लोगों की भी, खुद की भी। दर्शन भी हो गए, अच्छे से दर्शन हो गए। और आपको दिखाता हूँ व्यू, पीछे देखो व्यू दिख रहा है, पहाड़ नहीं दिख रहे, आसमान दिख रहा है नहीं दिख रहा, व्यू देखो पीछे का, क्या मस्त व्यू आ रहा है ना, बिल्कुल बेहतरीन वाला व्यू आ रहा है, मजेदार। पूरी कर लो, नहीं, यू कंटिन्यू। कमल के फूल जो कि पूजा में काम आते हैं। ये तालाब आप देख रहे हो, व्यू देखो, बड़ा शानदार व्यू है। और वो सामने दिख रहा है आपको जहाँ से केबल कार चढ़ती है। और अभी हमारी जर्नी हो गई ख़त्म, यहाँ पे मंदिर के अच्छे से दर्शन हो गए, सीढ़िया उतरा है। 1506 की अप्रोक्स सीढ़िया थी जो कि 15 से 20 मिनट में नीचे उतर आया गया, तो काफ़ी अच्छा रहा। और आपको दिखाता हूँ यहाँ से चलती है केबल कार, देख पा रहे होगे केबल कार, और ये है पॉन्ड। देखिए इंडियन बच्चों का टैलेंट। और इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ख्याल रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।